मिस यूनिवर्स साल 2015 और अब बॉलीवुड की दीवा की बात करें, यानी उर्वशी रौतेला की बात करें, तो वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं, अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स को लेके, अपने कपड़ों को लेके, और अपने स्टाइल आइकॉन है एक तरह से वो। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार उर्वशी रौतेला, जो कि पहले नेहा कक्कड़ की वेडिंग में उन्होंने 55 लाख का लहंगा पहना था, और अब उन्होंने एक और बड़ा कमाल किया है। इस बार तो उन्होंने 58 लाख की, यानी 58 लाख की उन्होंने साड़ी पहन ली है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार क्या डिफरेंस है उस लहंगे में और उस साड़ी में, और कितना टाइम लगा इन्हें बनने में, और अभी हाल ही में जो उन्होंने साड़ी पहनी है उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ अपनी इस वीडियो में, कि आखिरकार किसने डिज़ाइन किया है और किस तरह की वो साड़ी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, कि नेहा कक्कड़ जो है, जब जिनकी शादी में उर्वशी रौतेला ने एक ऐसा लहंगा पहना था जिसकी कीमत 55 लाख रुपए थी। अब हम आपको बता दें कि उस लहंगे के बारे में बताया तो एक लेजर कट लेदर लहंगा था जिसपे हैंडक्राफ्टेड जरदोसी का काम हुआ था और जिसपे ओरिजिनल स्वारोस्की वर्क हुआ था। हम आपको बता दें कि उसमें उर्वशी रौतेला जो है वो कि मिलियन डॉलर लग रही थी उस आउटफिट में, और उस की जो कीमत थी लहंगे की, जिसमें ज्वेलरी भी इंक्लूड थी, जिसकी जो कीमत है 55 लाख रुपए बताई जा रही थी। और बताया जा रहा था कि जो डिजाइनर थी वो थी रेनू टंडन, लेकिन इस बार उर्वशी ने 58 लाख की साड़ी पहनी है। अब हम आपको बताते हैं कि एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन मनोज कुमार, जिनकी जो ग्रैंड डॉटर है मुस्कान गोस्वामी, जिनके प्री वेडिंग फंक्शन थे जिसमें उर्वशी रौतेला गई थी, और उसमें उन्होंने एक ट्रेडिशनल गुजराती साड़ी को पहना है जिसकी कीमत 58 लाख 75 हज़ार रुपये बताई जा रही है। अब हम आपको बताते हैं उसकी खासियत का है, क्या क्या है और किसने ये बनाई है। सबसे पहले आपको बता दें कि आशा गौतम जो कि डिज़ाइनर हैं, उन्होंने उर्वशी रौतेला के लिए ये साड़ी बनाई थी, और इसमें जो ग्लैम फैक्टर ये था इस साड़ी का कि इसमें कई पीसीस ऑफ ज्वेलरी को अटैच किया गया है, लगाया गया है, और जो स्टाइलिस्ट हैं उन्होंने शेयर किया कि उर्वशी का जो पटोला साड़ी थी उसको 6 महीने लगे हैं बनने में, जिसमें 70 दिन सिर्फ उस में जो सिल्क जो थ्रेड्स लगे हैं उनको कलर करने में लगे थे, और 25 दिन लगे हैं उसकी पूरी वीविंग करने में। इसी के साथ उन्होंने बताया कि इस पूरी साड़ी में 600 ग्राम सिल्क यूज़ हुआ है, और एक्सपेंसिव साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी है, और 12 लोगों ने काम किया है इस साड़ी पर, और जो मटेरियल्स हैं वो 27 नॉर्मल, एक तरह से इन्होंने मटेरियल्स के साथ उन्होंने जो 27 साड़ियों को बनाया है, जिसमें एक उर्वशी रौतेला ने पहनी है जिसमें उनकी ज्वेलरी भी इंक्लूड है। इसी के साथ उन्होंने मांग टीका और मोल्डेड बैंगल्स, नेकलेस और रिंग्स उन्होंने पहनी है उर्वशी रौतेला ने। अब आप देख सकते हैं कि कितनी ग्लैमरस साड़ी है, और इसी के साथ उर्वशी रौतेला जो कि खुद खुद बॉलीवुड की दीवा हैं, और उन्होंने बस एक तरह से बताया जाता है कि भाई वो तो मिलियन डॉलर के आउटफिट पहनती हैं, तो ये हैं उर्वशी रौतेला जो कि अपनी स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर हमेशा ही लाइमलाइट में रहती हैं। सो कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए।